उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी पर मानहानि का आरोप लगाया था। उन्होंने राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया जो 8 मई 2018 को कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में की गई थी। आज सुल्तानपुर कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी थी। कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल जिंदाबाद के नारे लगाए गए। राहुल गांधी के कोर्ट पहुंचते ही काफी धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की के बीच वो कोर्ट के अंदर गए। करीब 15 मिनट चली सुनवाई में क्या हुआ इसकी जानकारी भी सामने आई। आज एमपी एमएलए कोर्ट में राहुल जी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड कराया। बयान में उन्होंने बताया कि हमको फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए हमारे ऊपर ये फर्जी मुकदमा किया गया है पॉलिटिकल रंजिश के कारण, और मेरे द्वारा ये कहा गया कि हमको इस मुकदमे में गवाही देनी है। 12 अगस्त की तारीख माननीय न्यायालय ने गवाही में लगाया है। राहुल गांधी जी के बारे में मुझे जो कहना था वो तो मैं पूर्व में ही कोर्ट में कह चुका हूँ। आज अभियुक्त के नाते उनका बयान था, बयान उन्होंने अपना दर्ज कराया और कोर्ट से माफ़ी मांगा। जो बीच में कोर्ट पे कई पेशी पर नहीं आए थे उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा। अगली 12 अगस्त को डेट पड़ी है, आज इतना ही हुआ। माननीय राहुल गांधी के विरुद्ध विजय कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने परिवाद दायर किया है। कर्नाटक राज्य के चुनाव के दरमियान माननीय राहुल द्वारा केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिससे 500 यानी डिफामेशन मानहान के मुकदमा का मामला था जो न्यायालय में काफ़ी पूर्व से चल रहा था, जिसमें माननीय राहुल जी ने इसके पहले काफ़ी पहले फरवरी महीने में अपनी जमानत करा ली था। आज उनका बयान दर्ज हुआ। 12 अगस्त 2024 मामले में तिथि साक्ष्य नियत है।